हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइज, कैसे हो आप लोग। तो आप सभी का वेलकम है फिर से एक न्यू ब्लॉग में। मैं उठी हूँ, मतलब सो के क्या भी, मतलब ऐसे लेटी हुई थी। मैंने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे खुशी जब से आई है स्कूल से तब से यहाँ पे टीवी देख रही हूँ। तो जब से आई है तब से टीवी देख रही है। 4 बज रहे हैं, अभी बंद नहीं कर रही है। और कल से इन लोगों की छुट्टियाँ मतलब हो जाएंगी स्कूल की और आज़ादी मिल जाएगी इसको और टीवी देखेंगे दिन भर। तो चलो गाइस, अभी मुझे बनाना है चाय और पति देव का वेट कर रही हूँ कि वो आ जाए तो फिर हम चाय बनाते हैं। और इसको लगी है भूख, आई थी 12 बजे और दाल चावल मैंने बनाया था वो खाई है। उसके बाद भी कई बार मुझसे बोल चुकी है भूख लगी है। मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए और अभी आ जाएंगे तब मैं जाऊँगी। तो खुशी के साथ मैं भी कार्टून देख रही हूँ, मैं भी बच्ची हो गई इसके साथ। अब ये कार्टून चल रहा है तो मैं भी देख रही हूँ और मेरे पसंद का कुछ लगाने ही नहीं दे रही है ये बदमाश लड़की है ये। खुशी ये देख सकते हो आप लोग, आँखें देखो, आँखें झपकती नहीं है इसकी, इतना टीवी देखती। तो जी यहाँ पे मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए और खुशी को लगी है बहुत तेज भूख। मुझसे 12 बजे आई थी तो 1-2 घंटे के बाद ही चिल्लाना स्टार्ट कर दिए भूख लगी है। तो अभी जो है उसके लिए चाय बना रही हूँ, बाकी सबके लिए चाय बना दे रही हूँ। तो यहाँ पे 2 डब्बा रखा हुआ है, एक चीनी का और एक जो है नमक का। मुझे यहाँ पे चाय बनानी रहती है तो यहाँ पे नमक का डब्बा उठा लेती हूँ और दाल बनाना रहता है तो मैं चीनी का डब्बा उठा लेती हूँ। तो ये मुझे बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, जो है जब डालने जाती है तो याद आ जाता है ये तो चीनी है। वरना कभी कभी, एक बार मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी जब नई नई शादी हुई थी तो मैंने दाल में जो है चीनी डाल दिया था और जब डाल दिया तब मुझे याद आया अरे ये तो चीनी पड़ गया। तो वही कभी कभी मैं वो दिन, मतलब उस दिन का मतलब कभी कभी याद आ जाता है। तो दोनों डब्बा जो है सेम है तो इसलिए मुझे थोड़ा सा उसमें कलर करना है, लगता है कि दूसरे या डब्बा ही चेंज करना पड़ेगा, मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। तो अभी जो है इसमें चाय वगैरह बन गई है और अभी जो है छान लेती हूँ। थोड़ा सा गिर भी गया है चाय, इधर थोड़ा बहुत करने लगते हैं तो गिर भी जाती है। तो बस यहाँ पे चाय हमारी रेडी हो गई है। अभी जो है दोपहर के बर्तन रखे हैं धुलने के लिए और सभी लोग खाए थे तो बर्तन मैंने वैसे रख दिया था। मैंने कहा चलो बाद में इसको धुलेंगे और पानी डाल के मैंने भिगो दिया है, बस अभी धुलना है। तो अभी चाय के भी बर्तन है तो साथ में वो सब भी धुल लेंगे और ये भी बर्तन धुल जाएंगे। तो यहाँ पे निकाल रही हूँ नमकीन और चाय और खुशी के लिए बिस्किट। तो उसको बिस्किट, मतलब बिना बिस्किट के तो उसे सिर्फ बिस्किट खाने के लिए उसको भूख लगती है। वो उसको पता है कि शाम के टाइम जब चाय बनेगी तो मुझे बिस्किट मिलेगी, उसके लिए ही इसको भूख लग जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं चाय लेकर आई तो ये महारानी यहाँ पे टीवी देखते देखते सो गई हैं और अभी सोई है, 4 बजे इसका टाइम हो गया सोते, और आई थी तब से सो रही थी। तो अभी जो है मैं जा रही हूँ चाय रख देने के लिए क्योंकि अब जब उठेगी तो चाय पिएगी और अब जाकर सो गई है। मैं तब से बोल रही थी इसको कि सो जा, शाम को उठ के पढ़ाई भी करना है तो नहीं मानी और मैं इधर चाय बनाने लगी, उतने देर में उसकी जो है आँख लग गई, सो गई। तो जी यहाँ पे बस मैं धुल लेती हूँ बर्तन चाय वाले और अभी तो खुशी का चाय रखा, अभी तीनों बच्चे ही सो रहे हैं। बाबू मुस्कान आते ही सो जाते हैं क्योंकि स्कूल आने के बाद बहुत बच्चों को थकान सी हो जाती है तो मैं हमेशा कहती हूँ सो जाओ। और जब शाम होती है ना तो जब ये लोग सो के उठते हैं तो माइंड फ्रेश रहता है, तभी आराम से इन लोगों को पढ़ने में भी मन लगता है। ऐसे दिन भर अगर बच्चे जब स्कूल से आते हैं और डायरेक्ट जो है सोते नहीं हैं तो शाम को पढ़ने जब बैठते हैं ना तो सुस्ती रहती है और नींद आने लगती है। इसलिए मैं हमेशा बच्चों को यही करती हूँ कि जब भी बच्चे आते हैं, मेरे बच्चों की हैबिट है कि दोनों जब स्कूल से आएंगे ना तो दोनों सो जाते हैं, वही 5 बजे उठेंगे तो उसके बाद
उन लोगों के लिए नाश्ता वास्ता करा कर फिर बैठा देती हूँ पढ़ने के लिए। और ये खुशी है तो खुशी जल्दी सोती नहीं, अभी शाम को सो गई है। मैं इसे बोल रही थी कि सो जा बाबू मुस्कान सो रहे थे तो नहीं सो रही थी, अकेले जो थी तो यहाँ पे कार्टून देख रही थी, देखते देखते यहाँ पे सो गई है। तो जी यहाँ पे हमारा किचन वगैरह साफ़ हो गया है, चाय के बर्तन वगैरह भी धुल लिए, बर्तन भी धुल लिए, किचन भी साफ़ कर दिया है। अभी थोड़ी मैंने फ्रायदान में चाय रखी हुई है, अभी बच्चे उठेंगे तो चाय पियेंगे। और यहाँ पे देख सकते हो ये मैंने जो लगाया था ना पर्दा, तो बार बार जो मेरी मेहनत बेकार हो जाती है, यहाँ पर लगाती हूँ कील तो वो कोई सामान निकालती हूँ ना इसमें से तो वो कील जो है निकल जाती है। और इसको जो है ना जब कोई काम वगैरह चलेगा तो इसमें अच्छे से मैं कील ठुकवा दूंगी तो ताकि ये निकले ना, और मैं आराम इसमें जाता नहीं है ना, ऐसे मैं ठोक देती हूँ उसको लगा देती हूँ तो बार बार निकल जाता है। तो अभी जो है इसको मतलब 2-3 दिन में ये निकल ही जाता है, तो इसको फिर मुझे सही करना पड़ता है। तो वही यहाँ पर मैं सही कर रही हूँ, यहाँ सामान वामान निकालते हैं तो फिर वो जो है कील जो है निकल जाती है। तो कभी काम वाम चलेगा ना तो ड्रायल मशीन आएगी, मेरे पास तो है नहीं, जब कोई मिस्त्री वगैरह काम चलेगा तो फिर मैं इसमें कील अच्छे से लगवा दूंगी ताकि ये फिर निकले ना। तो गैस यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ, अब जाने थोड़ा सा गमलों में पानी डालने के लिए। मेरा शाम को यही डेली मतलब मेरा या मम्मी का काम होता है कि डेली जो है गमलों में पानी डालना। और वैसे गर्मी बहुत तेज़ मतलब बहुत गर्मी होती है और तेज़ धूप भी होता है, तो उसकी वजह से ना पौधे जो है सूख जाते हैं। जिस तरह से हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है ना गर्मियों में, उसी तरह से पेड़ पौधों को भी पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो बहुत जल्दी यहाँ पे सूख जाते हैं, पूरा मिट्टी जो है सूख जाती है। तो यहाँ पे बस वही मैं डाल रही हूँ। और यहाँ पे मम्मी आज जो है चली गई हैं कहीं बाहर टहलने के लिए, शाम का टाइम वो होता है तो चली जाती हैं। और ये जो है पतिदेव मुझे बोलते हैं कि तू पानी नहीं डालती हो, मैं हमेशा पानी डालती हूँ, उस गर्मी की वजह से ये सूख जाते हैं, तो इसलिए अभी मैं डाल उल दी हूँ। अभी ऊपर जाना है, ऊपर भी पानी डालना है। बस यहाँ पर पहले मैं फेस वॉश कर लेती हूँ क्योंकि मतलब पसीने से जो है ना पूरा फेस जो चिपचिप होने लगता है। तो बस अभी थोड़ा सा मैं अपना फेस वगैरह धुल के और थोड़ा सा कंघी उंगी करके फिर जाऊंगी छत पे, और अभी कपड़े भी छत पे रखे हुए हैं तो उनको ले आना है और पानी भी डालना है, काफ़ी टाइम भी लग जाएगा, तब तक बच्चे भी उठ जाएंगे। तो गैस अभी मैं जा रही हूँ छत पर और अभी धूप है, 5 बज रहे हैं और काफ़ी धूप है। छत पे अगर नंगे पैर चले जाना तो अभी भी पैर पूरा जलने लगता है। तो यहाँ पे बस इतनी मतलब धूप है, तो अभी तो देख सकते हो यहाँ पे पूरा जो है कपड़े फैले हुए हैं मेरे। तो अभी मैं शाम को ही कपड़े डालती हूँ क्योंकि सुबह के टाइम नहाने धुलने में मुझे बहुत टाइम लग जाता है, 11-12 बज जाते हैं डेली। तो यहाँ पे कपड़े जो नहीं डालती हूँ, धुल के रख देती हूँ, शाम के टाइम 4 या 4:30 बजे लाकर डालती हूँ ना तो आराम से मेरे कपड़े सूख जाते हैं। क्योंकि गर्मियों में कभी कभी क्या होता है कि हम धूप में ज़्यादा डाल देते हैं और कभी कभी माइंड से स्किप हो जाता है, तो फिर कपड़े रहते हैं और कपड़ों का कलर भी उड़ जाता है गर्मियों में। तो इसीलिए मैं जो है 1-2 घंटे में मेरे कपड़े 1 घंटे में तो आराम से सूख जाते हैं, तो शाम को ही डालती हूँ। और जब फिर दोबारा मैं छत पर आती हूँ टहलने उड़ने के लिए शाम को या पानी उनी डालने के लिए, तो फिर उठा के लेकर जाती हूँ। तो अभी जो है यहाँ पे गमलों में डाल देती हूँ पानी, आप लोग देख सकते हैं मतलब पूरा चारों तरफ से गमला लगा हुआ है, इसको डालने में बहुत भी टाइम लग जाता है मेरा। और यही इसी बहाने हमारा जो है टहलना स्टार्ट हो जाता है, मतलब टहलना हो जाता है। तो यहाँ पे जो है मम्मी है नहीं और मम्मी यहाँ पे पानी भर के गई थी तो मैं डाल दे रही हूँ, वो डालने के लिए ही आई थी छत पर किसी ने बुला दिया तो चली गई टहलने के लिए। तो गाइस अभी शाम होने वाला है, अभी बच्चे सो रहे हैं तभी जा रही हूँ नीचे जगाने के लिए, और खुशी का भी होमवर्क करवाना है तो भी होमवर्क उसका बाकी है। पानी डल गया है, मम्मी पता नहीं कहाँ चली गई है, कहीं टहलने चली गई है मम्मी। तो चलो अभी बच्चों को जगाती हूँ और खुशी अभी सो रही है, बच्चे स्कूल से आते हैं ना तो थक जाते हैं तो आते आते सो जाते हैं। Thank you.
तो गाइस नीचे आने के बाद बच्चों को नाश्ता वास्ता देकर और बच्चे बैठ गए हैं पढ़ने के लिए। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पनीर की सब्जी। आज हमारे घर पनीर की सब्जी बन रही है। तो इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे कर देती हूँ एंड, और मिलती हूँ आप लोगों को फिर से एक न्यू व्लॉग में, न्यू वीडियो के साथ। उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ एक लाइक करना, चैनल पर फर्स्ट बार विजिट करें तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए बाय बाय, मिलते हैं।